दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं जंगल के कुछ खतरनाक जानवरों के कातिलाना अंदाज। नहीं, मासूमियत भरे अंदाज। भले ही दोस्तों आपने इन जानवरों को एक खूंखार शिकारी के रूप में देखा होगा, लेकिन जब आप आज इनकी क्यूटनेस देखेंगे तो आप भी इनके बड़े वाले फैन हो जाएंगे। क्या कोई चीता किसी इंसान को किस कर सकता है, या फिर कोई शेर किसी इंसान का अच्छा दोस्त बन सकता है? अगर आप भी देखना चाहते हैं कुछ ऐसे ही हैरत अंगेज नजारे, तो बस वीडियो को एंड तक देखो। नंबर 1, बियर यानी भालू। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो क्यूट जानवर जिसको भाई लड़कियां अपने दिल से लगा कर रखती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भालू और टेडी बियर की। ये भालू देखिए कितना मासूम है और बड़ा ही प्यारा सा है। ये बिल्कुल भी दोस्तों अपने रिश्तेदारों की तरह खतरनाक नहीं है। ये रूस में पाया जाता है और बहुत ही शर्मीले किस्म का भालू है। जब इसे अपनी खुराक अंगूर जेली मिल जाती है तो ये एकदम इत्मीनान से बैठ जाता है और सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ फोटो शूट कराने लगता है, और इसी के बीच इनका दोस्त भी बन जाता है। नंबर 2, फॉक्स यानी लोमड़ी। चलिए अब आपको दिखाते हैं जंगल की सबसे चालाक खोपड़ी जिसका नाम है लोमड़ी। लेकिन जैसी आप सोच रहे हैं ये वैसी बिल्कुल नहीं है। ये तो भाई दिखने में जितनी क्यूट और प्यारी सी है, उतनी ही ये बिहेवियर में भी कमाल है। ये सबके साथ काफी अच्छे से घुल मिल कर रहती है। वैसे देखा जाए तो लोमड़ी को पालना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि भले ही ट्रेनिंग के बाद इंसानों के साथ उनकी फैमिली का ये हिस्सा बन जाती है, लेकिन दोस्तों फिर भी इनसे खतरा बना ही रहता है। ना जाने कब इनका दिमाग फिर जाए और ये अपने असली रूप में आ जाए। क्या आपने कभी लोमड़ी की हंसी सुनी है? अगर नहीं तो सुनिए। ये तो बिल्कुल बच्चों की तरह हंस रही है, है कि नहीं? नंबर 3, लायन यानी शेर। आइए अब जानते हैं जंगल के किंग खान और शेर खान के बारे में। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को मामू लाइक नहीं किया तो बहुत फटाफट से लाइक करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। वैसे तो भैया शेर को देखते ही इंसानों की पैंट में से पानी चलने लगता है, और ऐसे में शेर के पास जाना तो जैसे मौत को दावत देना है। लेकिन इस खतरों के खिलाड़ी को देखिए जो कि शेर जैसे एनिमल के साथ एक दोस्त की तरह रहता है। असल में ये यहाँ अफ्रीका में इसलिए आया है ताकि इनकी देखभाल कर सके और साथ ही एनिमल फार्म के पैसे भी बचा सके। यहाँ खुले इलाके में शेर आराम से घूमते फिरते हैं और अपनी खुराक का भी इंतजाम कर लेते हैं। इस शेर को देखिए दोस्तों जो कि इन लोगों की जीप के सामने आ गया है और बड़े ही शांत तरीके से इनके आगे से गुजर गया। जब ये शख्स अपनी जीप से उतरकर इनके पास गया तो ये शेर पर हमला करने के बजाय मस्त जमीन पर लोट पोट करके मस्ती कर रहा था। वाकई बड़ा क्यूट है ना। इस शेर के पूरे परिवार को देखिए भाई, लगता है ये पहला ऐसा हस्बैंड है जो कि बीवियों को इतना प्यार कर रहा है। कहीं से भी तो बीवी का खौफ नहीं है। खैर ये तो मजाक था। शेर अपने परिवार और इस शख्स के साथ इस खुले इलाके में बड़े ही सुकून की जिंदगी बिता रहा है, और इन दोनों की दोस्ती तो देखिए, ये शख्स इस शेर के साथ वॉक पर जाता है, इसके साथ खेलता है, कूदता है और एक अच्छे दोस्त की तरह इसे सपोर्ट करता है। वहीं ये शेर भी इसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता। नंबर 4, कैपिबेरा। अब आपको दिखाते हैं दोस्तों एक क्यूट सा गुदगुदा सा जानवर जिसे देखकर आप भी इसके पास से कहीं नहीं जाएंगे। ये बिहेवियर में बहुत ही अच्छे और मिलनसार होते हैं। ये अपने रिश्तेदारों के साथ साथ दूसरे जानवरों, शिकारियों, यहाँ तक कि इंसानों के भी अच्छे दोस्त साबित होते हैं। इन्हें सबसे ज्यादा पसंद होता है दोस्तों कि कोई इन्हें गले लगाए। ऐसा करने में ना सिर्फ इन्हें अपनापन फील होता है बल्कि इन्हें एक अलग ही सुकून भी मिलता है। नंबर 5, टाइगर यानी बाघ। अब बात करते हैं एक ऐसी जंगली बिल्ली की जिसका नाम है बाघ। बोले तो सबसे फास्टेस्ट रनर एंड जंपर। जी हाँ, टाइगर। नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में जो छवि आती है वो एक खूंखार छवि होती है। खतरनाक पंजे, पैने दांत और खून खराबा जैसी बातें घूमने लगती है। लेकिन आप जरा इस क्लिप को तो देखिए, कैसे टाइगर का एक छोटू सा बच्चा इस लड़की की गोद में आराम फरमा रहा है और बड़े अच्छे से भैया लड़की भी इसके साथ एंजॉय करती हुई नजर आ रही है। वैसे चाहे इंसान हो या जानवर, बचपन में सभी बड़े मासूम होते हैं। नंबर 6, स्वान यानी हंस। अगर आप भी किसी जानवर को दोस्तों अपना पेट बनाने की सोच रहे हैं तो जरा इस हंस पर भी नजर डाल लीजिए। देखिए कैसे इसकी ओनर बाहें फैलाकर बुलाती हुई नजर आ रही है, और ये स्वान भी तुरंत ही इसका इशारा देखकर इसकी तरफ भागा भागा चला आता है और इसके गले लग जाता है। इसकी मालकिन इसको बड़ा प्यार करती है और ये भी इससे ऐसे ही चिपका रहता है। नंबर 7, याक। अब बात करते हैं याक जैसे बड़े जानवर की जिसे घर में पालना तो भाई बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोग इसका बिहेवियर, इसकी क्यूटनेस देखकर इसे अपने घर का हिस्सा बनाना पसंद करते हैं। इस याक और इसके मालिक को देखिए कैसे प्यार से दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इसके सॉफ्ट सॉफ्ट रेशमदार बाल न सिर्फ आपको गुदगुदा फील कराएंगे बल्कि ये आपको सर्दी से भी बचा सकते हैं, क्योंकि ये काफी गर्माई पहुंचाते हैं। वैसे इनके सींग दोस्तों काफी बड़े और खतरनाक होते हैं। इन्हें देखकर तो भाई अच्छे अच्छों की सटक जाती है, लेकिन अगर आप इन्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं तो ये आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएंगे। नंबर 8, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल का दीदार करना तो भाई सौभाग्य की बात है, क्योंकि दोस्तों ये नजारा बहुत ही कम देखने को मिलता है। बड़े बड़े समुन्दर और ओशन में ब्लू व्हेल एक जगह से दूसरी जगह घूमती फिरती है, लेकिन अगर आपको ये पानी में देखने को मिल जाती है तो इससे बड़ा सुनहरा मौका कोई और हो ही नहीं सकता। जैसे इस टीम के पास से देखें,
कैसे ब्लू व्हेल निकल कर गई है और बहुत ही करीब से इन्हें से देखने का मौका मिला है। क्या आप भी ब्लू व्हेल को देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 9, टर्टल। अब आपको दिखाते हैं क्यूट सा टर्टल बेबी। वैसे तो भाई इनका भी बिल्कुल मछली जैसा हिसाब है, हाथ लगाओ तो डर जाएगा और बाहर तो अपने आप ही आ जाएगा। जी हाँ, ये कछुए जब भी कोई खतरा महसूस करते हैं तो अपनी गर्दन अंदर छुपा लेते हैं और फिर जब मन होता है तो बाहर झांकने चले आते हैं। इनका ऊपरी हिस्सा दोस्तों बहुत ही सख्त होता है। अगर कोई इस पर कुछ जोरदार भारी भरकम चीज भी मारता है तो इन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इनके इस हिस्से की सफाई की जाए तो इन्हें बहुत अच्छा फील होता है। और इस कछुए को तो देखिए कैसे क्लीनिंग के दौरान खुश हो रहा है। वाकई में ये बड़ा क्यूट है यार। नंबर 10, लायन यानी शेर। शेर जो दोस्तों इतने खूंखार नजर आते हैं, अगर आप इनके बचपन की एक झलक और मासूमियत देखेंगे ना तो आप भी इन पर फिदा हो जाएंगे। इस शेर के क्यूटी पाई को तो देखिए जो कि इस लेडी की गोद में लेट कर अपना खाना मांग रहा है। ये लेडी जब इसको खाना नहीं देती है तो इंसानों के बच्चों की तरह ही ये मचलने और उधम मचाने लगता है, और जब इसे अपनी बोतल मिल जाती है तो आराम से उसे पानी पीने लगता है। नंबर 11, चिकन यानी मुर्गी के बच्चे। चलिए अब आपको दिखाते हैं मासूमियत का एक और बेजोड़ नमूना जिसे हम चूजे के नाम से जानते हैं। ये दिखने में दोस्तों इतने छोटू से गुदगुदे से होते हैं कि बस क्या ही कहें भाई, अगर कोई भी इन्हें देख ले तो बस इनका दीवाना हो जाए। अगर आपके पास भी एक चिकन है तो इन्हें जल्दी सुलाने की आपको ट्रिक बताते हैं। नहीं, मेरा मतलब है दिखाते हैं। देखिए कैसे ये मस्त आराम से टांग फैलाया है, सो रहा है। वैसे इनके साथ ऐसा ट्रीट करने पर इन्हें काफी रिलैक्स फील होता है, इसलिए ये जल्दी सो जाते हैं। नंबर 12, चीता। अब आपको दिखाते हैं खूंखार जंगली बिल्ली का प्यार भरा अंदाज। इस चीते को तो देखिए कैसे इस लेडी के साथ लिपटने चुपटने में लगा पड़ा है। इसे देखकर भैया ऐसा लगता है जैसे इन दोनों के बीच रिश्ता काफी अच्छा है। देखिए कैसे किस कर रहा है और लेडी भी इसके साथ काफी कंफर्टेबल फील करती है। यकीनन आप किसी के साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो वो भी आपके साथ उतने ही अच्छे से पेश आएगा। नंबर 13, डॉल्फिन। चलिए अब देखते हैं दोस्तों सबसे क्यूट मछली डॉल्फिन को, जिसका लविंग नेचर, प्यारा सा फेस सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये इंसानों के साथ भी काफी अच्छे से प्यार से रहती है। ये देखिए कैसे दो लड़कियों के बीच डॉल्फिन मस्ती मजाक करती हुई नजर आ रही है और इन दोनों लड़कियों को एक एक करके किस भी करती है। ये लड़कियां भी वही इसके साथ कंफर्टेबल थी। लगता है तीनों वाकई काफी अच्छे दोस्त हैं। नंबर 14, बेबी गोट यानी बकरी का बच्चा। इस क्यूटनेस की दुकान को देखिए जो अपने मालिक के साथ काफी घुल मिल गई है। इसका ओनर इसके साथ मजाक करता है और इसे टच करने लगता है। ये देखिए इस बेबी गोट में भी जोश उठता है और ये भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपना बदला लेती है और एक एक करके दोनों एक दूसरे के साथ भाई ऐसे खेलते रहते हैं। वैसे बेबी गोट इसके साथ काफी कंफर्टेबल है, तभी इतने अच्छे से ये किसी इंसान के संग खेलती हुई नजर आ रही है। नंबर 15, बेबी एलिफेंट यानी हाथी का बच्चा। चलिए अब आपको दिखाते हैं बहुत ही क्यूट सा जानवर जिसका नाम है हाथी। वैसे तो ये काफी गुस्सा टाइप के भी होते हैं, लेकिन गुस्से के साथ साथ इनका ये प्यार भरा रूप भी देखने को मिल जाता है। इस बेबी एलिफेंट को गले लगाना भाई बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए जैसे ही ये इस आदमी को जो कि हो सकता है इसकी जान पहचान वाला हो, इसे देखकर इसके पास आकर इसे गले लगाना शुरू कर देता है और इससे ऐसे लिपट जाता है जैसे सदियों बाद मिल रहा है और छोड़ने का तो वही नाम ही नहीं लेता। इसके आसपास के लोग जब ये नजारा देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आखिर में तो ये हाथी प्यार जताते जताते खुद ही जमीन पर लुढ़क जाता है और इस आदमी को प्यार करने लगता है। दोस्तों आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे क्यूट लगा और कौन सी क्लिप आपके दिल को छू गई, कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।